तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सोनी के चैनल में। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियोस जो है पसंद आ रही होंगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप सभी का जो कमेंट है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट वो सेम है, तो उनके जो कमेंट्स हैं उनका मैं आंसर ईजिली तरीके से कर सकूँ। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए एक संडे कमेंट बॉक्स स्टार्ट किया है, ताकि मैं आप सभी को संडे जो आपके कमेंट्स होते हैं उनका जवाब दिया करूँगा मैं आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, नए देख रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर ऑन कर ले, ताकि हमारी जो हलवाई वाली रेसिपीज है वो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट मैं पढ़ने वाला हूँ, ये अपने फोन में मैंने सारे कमेंट पिक कर लिए हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो विवेक जी ने पूछा है कि भाई, जब हम गुलाब जामुन या रसगुल्ला परचेस करते हैं तो 1 kg में कितने पीसेस होते हैं। तो भाई, ये डिपेंड करता है कि कौन सी रेसिपी है और उनका जो बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि अलग अलग तरीके से जब बनाते हैं ना तो उसका वेट बढ़ता या घटता रहता है। तो अगर आप फिर भी नॉर्मल आप परचेस करते हैं मार्केट में, तो 20 से 22 पीसेस नॉर्मल साइज के आपको 1 kg में मिल जाते हैं। तो चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। और उसके बाद अगला जो कमेंट है, इन्होंने पूछा है दीप आंजन का नाम है, और इन्होंने पूछा है कि कम लागत में हलवाई वाला जो मैदा मिक्स बर्फी है वो कैसे बनाते हैं। जो मैदा मिक्स वाली जो बर्फी है, इन्होंने पूछा है कि ये जो मिलावट वाली बर्फी होती है, मतलब मैदा वगैरह मिक्स करके मिला के वो कम रेट में, मतलब कम कॉस्ट में, ये ज़्यादातर शॉप वाले करते हैं जिनको कम कॉस्ट में बनाना होता है मिठाई को, सस्ती मिठाइयाँ सेल करने के लिए। तो इन्होंने काफ़ी बढ़िया पूछा है, ये ज़्यादातर फेमस है, ये ज़्यादातर बनाया जाता है यूपी उत्तर प्रदेश में, मैंने सबसे ज़्यादा देखा है इसको कि उत्तर प्रदेश में ये बनाया जाता है और मैदा मिक्स करके उसमें बनाया जाता है। तो इन्होंने इस रेसिपी के बारे में पूछा है, तो मैं आपकी जो रेसिपी है वो जरूर अपलोड करूँगा कि मैदा खोया वगैरह जो मिक्स करके मिक्स मिठाई बनाई जाती है, मतलब मिक्स करके बर्फी जो बनाई जाती है वो बहुत ही कम कॉस्ट होती है। अगर हम नॉर्मली पंजाब में, तो जो कम कॉस्ट वाली मिठाई या कम कॉस्ट वाली जो बर्फी बनाई जाती है वो मिल्क पाउडर से बनाई जाती है। मिल्क पाउडर उसमें दूध में यूज़ करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो बर्फी है वो रेडी हो जाती है, और वो शॉप वालों को करीब 150 या 200 रुपये के करीब, उनको 150 से 200 के बीच उनका कॉस्ट आता है, और 200 रुपये पर केजी वो सेल कर पाते हैं इजली रिटेल प्राइस में बर्फी। और अगर आप देखते हो कि अगर मार्केट में अगर ओरिजिनल आप खोए के लेते हो, जो असली खोए की मार्केट में बर्फी मिलती है, तो वो ऑलरेडी 350-400 रुपये किलो आपको मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वो ओरिजिनल है और बिल्कुल असली है। तो अगर आप 200 रुपये किलो ले रहे हो, तो इसका मतलब कि वो तो ऑलरेडी मिल्क पाउडर वाली होगी, या फिर उसमें मैदा वगैरह मिक्स करके मिठाई बनाई होगी। तो बस इतना है कि जितनी सस्ती मिठाई लोगे उतनी आपको ज़्यादा मिलावट वाली मिलेगी, और अगर आप कॉस्टली मिठाई लोगे तो आपको अच्छी क्वालिटी की मिठाई मिलेगी। तो इनका भी कमेंट काफ़ी अच्छा था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है, इनका नाम है संगीता झाखर, और इन्होंने पूछा है कि बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा अलग होता है क्या। तो इन्होंने पूछा है कि मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है, मतलब मीठा सोडा जो होता है वो बेकिंग सोडा को बोला जाता है, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बेकिंग पाउडर जो यूज़ किया जाता है वो कम फ्लफी करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किसी चीज़ को, किसी स्वीट डिश को या किसी भी डिश को लाइट वेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको फुलाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब वो इजी तरीके से फूल जाए। और किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा फुलाना हो, मतलब उसके अंदर की उसको ज़्यादा प्रेशर देना होता है फुलाने के, तब वहां पे मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा यूज किया जाता है, क्योंकि सोडा बेकिंग पाउडर का ज्यादा पावरफुल होता है, बेकिंग पाउडर से ज्यादा पावरफुल बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा, अगर मैं आप सभी को किसी रेसिपी में बेकिंग पाउडर बता रहा हूँ, तो बेकिंग पाउडर की जगह आप बेकिंग सोडा मत डालें, ना तो आपके जो डिश है वो ख़राब हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो इन्होंने पूछा है, इनका नाम है रवि शर्मा, तो इन्होंने पूछा है भाई, इक्वायरी है कि अगर काओ मिल्क में भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और अरारोट मिलाना हो, तो उसका 1 kg छेना में क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, काइंडली रिप्लाई। तो दोस्तों, अगर काउ मिल्क का जो छेना होता है, अगर आप उसमें मिलाओगे, तो उसमें तो वैसे मिलाया ही नहीं जाता कुछ भी। अगर कभी कभी क्या होता है कि लो फैट होता है, जब मिल्क में फैट बहुत कम होता है, तो वो जो छेना है वो जब हम बनाते हैं उसमें कुछ नहीं मिलाया जाता, तो वो फूलता नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हो, हल्का सा बेकिंग पाउडर, जस्ट बेकिंग पाउडर 1 pinch आप उसमें मिला सकते हो। 1 kg दूध का जो छेना होता है उसमें 1 pinch आप हल्का सा बेकिंग पाउडर मिला सकते हो, या अरारोट वगैरह, मैदा वगैरह, या फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसमें कुछ नहीं मिलाया जाता। अगर आपने मिला दिया तो आपका जो छेना है वो ख़राब हो सकता है।
सकता है और वो फट सकता है, जैसे आप चाशनी में डालोगे तो वो फट सकता है, तो इसी वजह से उसमें नहीं मिलाया जाता। जो बफेलो मिल्क होता है, भैंस का दूध होता है, उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि वो बिना उसमें अरारोट और मैदा वगैरह मिलाए या बेकिंग सोडा मिलाए आप उसको नहीं बना सकते, तो इसीलिए उसको फुलाने के लिए मिलाया जाता है बेकिंग सोडा, और बाइंडिंग के लिए मिलाया जाता है अरारोट या फिर मैदा मिला लो, दोनों में से कुछ भी मिला सकते हो। तो ये भी कमेंट काफ़ी अच्छा था, और चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला जो कमेंट है, इनका नाम है अरमान अर्श, तो इन्होंने पूछा है, सर मैंने अब तक जितनी भी रेसिपी देखी है वो सब 30 मिनट पकाते हैं और आप 5 मिनट, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि जब रसगुल्ला हम पकाते हैं, रसगुल्ले या छेना या चमचम या फिर कुछ भी, मतलब जो चाशनी में पकने वाली चीज़ें होती हैं, उसको पूछ रहे हैं कि आप मतलब जब हम इसको पकाते हैं तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी है कि उसमें 30 मिनट तक बताते हैं कि 30 मिनट को आपको 30 मिनट तक इसमें पकाना है, और मैं इसमें बता रहा हूँ कि आपको 5 मिनट तक पकाना है। तो मैं इसमें टाइमिंग का मैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, 30 मिनट तक भी पकाया जाता है और 5 मिनट में भी पक जाता है, लेकिन आपके जो दूध की क्वालिटी है, मिल्क का जो क्वालिटी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मिल्क की क्वालिटी, छेना की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपने बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन स्टार्टिंग में की है, तो वो क्या होता है कि आप उसको 5 मिनट भी पकाओगे तब भी वो बिल्कुल ईजिली तरीके से पक जाएगा। बस जब पक जाए तो वो गैस बंद कर देना होता है, एंड में पानी डाल देना होता है, और उसके बाद क्या होता है कि अगर कभी कभी मिल्क की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है, उसमें फैट बहुत कम होता है, तो वो जल्दी पकता नहीं है, एक तो फूलता नहीं है, और एक तो वो जल्दी पकेगा नहीं, अंदर से हार्ड गुठली रह जाएगी, तो वो हार्ड हो जाता है उसकी वजह से। तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसको 30 मिनट या 25 मिनट तक उसको पकाते रहते हैं ताकि ये पक जाए। तो अगर मैं जिस जो दूध यूज़ करता हूँ वो प्योर दूध यूज़ करता हूँ, जिसमें 7 फैट होता है, अगर फैट का आपको नंबर पता होगा तो उसमें 7 फैट होता है, 7 फैट काफ़ी बढ़िया फैट होता है उसमें मिल्क में। तो आप अगर 7 फैट वाला दूध यूज़ करते हो तो उसमें काफ़ी बढ़िया फैट होता है, उसमें आपको अलग से घी डालने की भी जरूरत नहीं होती है। तो वो अगर आप बनाते हो तो उसमें आपको 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आपका जो रसगुल्ला है या चमचम है, वो जो चाशनी में पकने वाली चीज़ है, वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है और बहुत जल्दी पक जाता है। तो थैंक यू सो मच, आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था। तो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। इन्होंने कमेंट किया है AMUK, इनका नाम है, इन्होंने कुछ नाम ऐसा लिखा हुआ है, और इन्होंने पूछा है कि कुछ लखनऊ की मिठाइयाँ भी बनाओ भाई। तो लखनऊ की मिठाइयाँ मैं बहुत सारी जानता हूँ जो फेमस है, और बहुत सारे मैं ऑलरेडी बनाता भी हूँ, तो बहुत सारी फेमस मैं कुछ मिठाइयाँ अपलोड भी कर चुका हूँ जो लखनऊ की है, और लखनऊ में काफ़ी सारी फेमस जो मिठाइयाँ, मैं उनके ऊपर बहुत जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं डेली अपलोड कर ही रहा हूँ वीडियो, तो बहुत सारी अलग अलग तरीके से जो भी आप कमेंट करता हूँ मैं सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं ये भी कोशिश करूँगा बहुत जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। अगला जो कमेंट है वो बहुत सारे लोगों ने सेम ही कमेंट किया है, ऑलमोस्ट रेसिपी है, तो रेसिपीज़ के नाम उन्होंने बताए हैं कि आप ये रेसिपी बताओ वो रेसिपी बताओ, तो बहुत सारे लोगों के, तो मैं अगर एक एक करके नाम पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आप सभी को एक ही बार में बता देता हूँ कि कौन कौन सी रेसिपीज़ जो है उन्होंने सेंड किया है मुझे और कि आगे मैं बनाने वाला हूँ। तो बहुत सारे रेसिपीज़ हैं जो लोगों ने मुझे सेंड किया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने, तो सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेसिपी सेंड किया है, कुछ लोग बोल रहे हैं काजू रेसिपी, गोजा रेसिपी, पनीर की जलेबी, ढोकला रेसिपी, डोसा रेसिपी, ब्रेड रेसिपी, क्रीम रोल रेसिपी, हलवाई स्टाइल छोले रेसिपी, और चने और छेना पाउडर की जो मिठाई होती है वो बोल रहे हैं, और ट्रेडिशनल चमचम कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट में, और गुड़ वाले शकर पारे बोल रहे हैं, घेवर रेसिपी, वेज कटलेट एंड कचौरी रेसिपी, गोलगप्पा रेसिपी, और फाफड़ा रेसिपी, गुजराती डिश भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं, फाफड़ा रेसिपी, ढोकला रेसिपी, और छोले भटूरे, मैंगो बर्फ़ी, और दाल बर्फ़ी, स्प्रिंग रोल, समोसा, बिस्किट्स, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, ये सारी रेसिपीज़ बनाने के लिए लोगों ने कमेंट किया है, और ये रेसिपीज़ मैं 1 by 1 डेली बना ही रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें बनाते बनाते, बस आप डेली मेरी जो वीडियोस है वो देखते रहिए, उसमें आपकी ये रेसिपी भी 2-4 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगी, और डेली मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और आप लोगों ने देखा ही है। तो इसमें से काफ़ी जो रेसिपीज़ के कमेंट है, इसमें से जो मैंने रेसिपी पिक किए हैं उसमें से कई लोगों ने कई कई बार कमेंट किया है, तो उन्हीं की रेसिपी जो मैंने कमेंट में से पिक किया है, और उसके बाद कुछ लोगों ने जो पूछा है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जिस चीज़ में पूछ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक ही बार में कमेंट पिक कर लिया है, लेकिन उनका नाम नहीं मैंने पिक किया, और उसके बाद ये देखिए, तो कुछ लोगों ने पूछा है कि रसगुल्ले कितने किलो में कितना, मतलब कितने किलो में कितना बनता है, मतलब जब रसगुल्ले बनाते हैं तो कितने किलो छेना, मतलब कितने किलो दूध हम लें और कितना रसगुल्ला हमारा रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों जितने किलो भी आप दूध ले रहे हो उतने किलो ही आपका जो रसगुल्ला है वो रेडी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 50 किलो दूध का बना रहे हैं रसगुल्ला, हम मार्केट में बनाते हैं ना, तो 50 किलो दूध का अगर हम रसगुल्ले बना रहे हैं तो 50 किलो ही रसगुल्ले हमारे रेडी हो जाएंगे, वो सब चाशनी वगैरह मिला के नहीं, जब चाशनी कैसे निकालोगे उसको रसगुल्ले ठंडा करने के बाद, तो वो जो रसगुल्ले की क्वांटिटी होगी वो 50 किलो होगी, मतलब जितने किलो दूध होगा उतना उतने किलो आपके रसगुल्ले बन जाएंगे। जैसे 1 किलो दूध का अगर आप बना रहे हो घर पे, तो 1 किलो ही रसगुल्ले आपके रेडी हो जाएंगे चाशनी वगैरह अब्सॉर्ब करने के बाद,
और उसका अगला देखते हैं। अगले कुछ लोगों ने पूछा है कि रसगुल्ले में आरा रोट की जगह मैदा डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, इनके लिए आरा रोट बताया मैंने आप सभी को, तो उसमें पूछ रहे हैं कि इसकी जगह हम कुछ और डाल सकते हैं। तो आरा रोट और मैदा आप इसमें से दोनों कोई भी चीज़ डाल सकते हो। मैदा डालने से थोड़े से हार्ड बनेंगे रसगुल्ले और आरा रोट डालने से थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे बस। तो अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है हाइड्रो पाउडर में, कई बार हाइड्रो पाउडर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मैं हाइड्रो पाउडर, आप सभी ने देखा होगा कि रसगुल्ले की चाशनी या कोई भी चाशनी वगैरह हम बनाता हूँ तो चाशनी को साफ करने के लिए हाइड्रो पाउडर मैं यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो हाइड्रो पाउडर होता है वो हार्मफुल होता है, तो आप क्यों यूज़ करते हो? तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैनल बनाया था आप सभी को, तो मैंने उस टाइम मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था जो भी रेसिपी मैं आप सभी को दूंगा वो हलवाई की ओरिजिनल रियल रेसिपी होगी। और आप सभी अगर मेरी वीडियोस को देखो और किसी भी हलवाई से वो चेक करवा लो आप वीडियो, कोई भी आप मार्केट में जाओ किसी भी हलवाई से मेरी वीडियो को चेक करवाओ और वो डायरेक्टली सही बोलेगा कि ये बिल्कुल हलवाई की रियल रेसिपी है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ रियल रेसिपी अपलोड कर रहा हूँ। तो हलवाई हाइड्रो पाउडर यूज़ करते हैं, इसी वजह से मैं भी यूज़ करके आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद हलवाई हूँ और मैं मार्केट में हाइड्रो पाउडर यूज़ करता हूँ। और जिसके पास भी मैंने जहाँ जहाँ रेस्टोरेंट्स में काम किए हैं वहाँ पे भी हर तरह के जो हलवाई हैं वो सब लोग हाइड्रो पाउडर यूज़ करते थे, तो मैंने भी हाइड्रो पाउडर यूज़ किया है उसमें इसको साफ़ करने के लिए। और अगर आप हाइड्रो पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते तो घर पर आप मत यूज़ करो, क्योंकि घर पर आप यूज़ करोगे तो कलर थोड़ा बहुत फेड भी होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन मार्केट में उनको कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना होता है। तो उससे हाइड्रो पाउडर से क्या होता है, कलर बहुत ही बढ़िया उसको ब्राइट एंड चमक आती है, उसमें से लाइट बहुत ज़्यादा निकलता है उसमें से, तो उसकी वजह से हाइड्रो पाउडर यूज़ करते हैं ताकि साफ दिखे हमारा जो डिश है कोई भी हम बनाते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ दिखे। और हाइड्रो पाउडर हार्मफुल की अगर बात करें तो वो हार्मफुल तब होता है जब उसको हम किसी ठंडी चीज़ में यूज़ करते हैं, मतलब कि हमने उसको अगर उबलती हुई चाशनी में डाल दिया, जैसे हम उबलती हुई चाशनी में उसको डालते हैं चाशनी को साफ करने के लिए, तो जब चाशनी उबल रही होती है ना तो हाइड्रो पाउडर का जो पावर है वो बहुत ख़त्म हो जाता है, मतलब बिल्कुल वो हाइड्रो पाउडर जो है उसका पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वो हार्मफुल उस टाइम नहीं होता। तो अगर होता भी है तो ओनली बहुत कम होता है, मतलब उसका 90% पावर जो है वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो हलवाई यूज़ करता है तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, और क्योंकि मैंने आप सभी को बताया हुआ कि मैं आप सभी को हलवाई की रियल रेसिपी दूंगा, तो हलवाई की रियल रेसिपी अपलोड कर रहा हूँ मैं आप सभी को। तो जो भी हलवाई यूज़ करते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे चांदी का वर्क जो मैं उसके ऊपर लगाता हूँ ना, आपने देखा होगा बर्फ़ी के ऊपर जो चांदी का लगा होता है उसके ऊपर, तो वो कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि आप ये क्यों लगाते हो, ये तो हार्मफुल होता है सेहत के लिए, अच्छा नहीं होता है। तो भाई सेहत के लिए अच्छा तो नहीं होता, इसीलिए तो बोला जाता है कि मार्केट में आप मार्केट की चीज़ों को मत खाओ, मतलब बाहर की चीज़ों को मत खाओ, इसीलिए तो बोला जाता है क्योंकि इसमें यही सब यूज़ किया जाता है, तो हार्मफुल होता है और नुकसान होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता मुझे पता है, लेकिन हलवाई यूज़ करते हैं। और मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आप सभी को हलवाई की रियल वाली रेसिपी दूंगा, तो हलवाई की रियल रेसिपी देने के लिए हलवाई का हर एक इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं हलवाई का खुद ही काम करता हूँ, मैं भी शॉप पर ही मैं हर चीज़ बनाता हूँ। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई शॉप तुम्हारी नहीं है, और मतलब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई शॉप तुम्हारी नहीं है और किसी की शॉप से जाके किसी की वीडियो चोरी करके आप डाल देते हो, तो दोस्तों वीडियो किसी का नहीं है, मैं और मेरे पापा दोनों हलवाई हैं, और मैंने जो उसको सिखा है वो अपने पापा से सिखाया, तो पापा मेरे जब वहाँ पे बनाते हैं तो वहाँ पे हम मैं और पापा दोनों मिलके बनाते हैं, मतलब कि हर चीज़ जो अगर बनाते हैं तो वो दोनों चीज़ें मिलके बनाते हैं, क्योंकि हलवाई में एक बंदे की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक पर्सन उसमें कोई बना नहीं सकता, तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम दोनों तीन से चार लोगों की टीम होती है एक कारखाने में, तो काफ़ी लोगों की टीम होती है, तो उसमें मेरे पापा होते हैं। कभी मैंने अपने पापा को कैमरा पकड़ा दिया कि आप कैमरा पकड़ो मैं बनाता हूँ, कभी मैं अब कैमरा पकड़ लेता हूँ और मेरे पापा बनाने लग जाते हैं, तो इस वजह से अब आप लोग देखते हो कि कैमरा किसके हाथ में है और बना कोई और रहा है, तो आपको लगता है कि मैं नहीं बना रहा हूँ और मेरी डिश नहीं है, आप लोगों को ये लगता है। तो दोस्तों डिश मेरी ही होती है, बस ये है कि कैमरा जब मुझे पकड़ना होता है तो फिर मैं उस डिश को बनाना छोड़ देता हूँ, उसमें किसी और को लगा देता हूँ कि आप इसको हिलाओ आप इसको चलाओ, तो इसके लिए आपको लगता है ये। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जिन लोगों का कमेंट मैंने रिप्लाई नहीं कर पाया वो लोग आप अपना कमेंट जो है इस वीडियो के नीचे लिख दो, ताकि मैं अगले संडे को आपका जो कमेंट का रिप्लाई है वो कर सकूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। कल की रेसिपी बहुत स्पेशल है, मैं आप सभी के लिए अपलोड करने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।